अरे अवेशी भैया, ये काम करो हमारा जरा। हम सेब लेकर आए यार, अभी तक बेचते बेचते बहुत टाइम हो गया मुझे, लेकिन थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो। मेरी लुंगी थोड़ी खुली जा रही भाई, या तो मेरी टोकरी पकड़ लो हाथ में तो मैं थोड़ा सा अपनी लुंगी बांध लूँ, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। देखो इधर, मैं एक हाथ में तो लाठी और दूसरे हाथ से लुंगी पकड़ रखा हूँ, लुंगी खुलने वाली है बिल्कुल। ऐसा करो अवेशी, अरे योगी जी तुम ही ऐसा करो, तुम ही यार थोड़ा सा मेरी टोकरी पकड़ लो, मैं लुंगी बांध लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी टोकरी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो मेरी टोकरी, पकड़ो अबेसी, कोई पकड़ो भाई, कोई पकड़ो। अरे लालू जी, तुम भी अजीब बात कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारी टोकरी पकड़ूं? तुमने तो मेरी परसों मेरी लुंगी खुली जा रही थी तो तुमने नहीं पकड़ा था, तुमने कहा था खुल जाने दो। अरे उस दिन तुमने तो मेरा तमाशा बना दिया था, मैं नहीं पकड़ने वाला तुम्हारी टोकरी, भले ही अपनी टोकरी नीचे उतार दो या कोई लेके जाए तुम्हारा, या जानवर खा ले तुम्हारे सारे सेब, लेकिन मैं नहीं पकड़ने वाला। ऐसा करो लुंगी को छोड़ दो, सेब लेकर आगे चलो तुम, ऐसा करना है तो आगे जाइए, मैं तुम्हारा कभी भी मैं टोकरी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरी बात तो तुमने नहीं सुना था, वहां पे तो तुम हंस रहे थे, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? ऐसा करो योगी जी, तुम इनकी टोकरी पकड़ लो, ये लुंगी अपनी बांध ले, ऐसा कर लो थोड़ा सा। अरे अब ऐसी तुम हमको क्यों बता रहे हो? अरे करना है तो तुम उनका काम करो, तुम्हें टोकरी पकड़ना है तब पकड़ो, मुझे क्यों लगा रहे हो? हम कभी किसी की टोकरी नहीं पकड़ते, परसों मैंने मोदी जी की टोकरी पकड़ लिया तो बताने लगे तुमने दो सेब चोरी कर लिया, इसीलिए मैं सतर्क हो गया हूँ, किसी की टोकरी नहीं पकड़ूंगा, लुंगी हो या कुछ भी हो, मैं नहीं पकड़ता किसी की भी टोकरी। ऐसा करो लालू जी, तुम नीचे रख लो या अबेसी को पकड़ा दो। अबेसी तुम अपना आप तो काम करते नहीं, हमको क्यों बताते हो भाई? हम नहीं पकड़ते किसी भी टोकरी। ऐसा करो अखिलेश, तुम ऐसा कर लो भाई, तुम पकड़ लो टोकरी और लालू जी अपनी लुंगी बांध ले। देखो योगी जी, मैं किसी की भी टोकरी नहीं लेता हूँ, परसों मैंने लिया था मोदी जी की टोकरी, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कोई बात नहीं भाई, लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे अखिलेश बाबू, मैं तुम्हारे पास थोड़े काम से आया था, तो काम यह है कि आज थोड़ा ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो ठंडी में मैंने सोचा चलता हूँ अखिलेश जी के पास, उनके घर पे खेतों में बैगन बहुत लगे पड़े हैं, तो थोड़ा बैगन मांग कर लाता हूँ और लिट्टी चोखा बनवाता हूँ। वैसे मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है और ठंडी में खाने का कुछ अलग ही आनंद आता है, तो मैंने यही बात सोचकर मैं सोचा चलता हूँ अखिलेश के पास, बैगन मिल ही जाएगा तो वहां से बैगन खरीद लेते हैं और बनवाते हैं मजेदार लिट्टी चोखा, और तुमको भी दे देंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है मोदी जी, तुम्हारी पसंद तो हमसे बहुत मिलती जुलती है, सच बताऊं मैं भी इसीलिए आई हूं यहाँ पे कि आज मैं लिट्टी चोखा बढ़िया बैगन का भरता मसालेदार बनवा करके फिर खाना है सबको, इसीलिए मैं भी इनके पास आई थी, मैंने सोचा इनके खेतों में लगा है तो फ्री मिल जाएगा, कुछ ले ही आते हैं वहां से, इसीलिए मैंने सोचा आज लिट्टी चोखा गजबदार बनवाएंगे और सबकी दावत करेंगे, अखिलेश को भी एक मिल जाएगा खाने के लिए अगर वो बैगन फ्री में देते हैं तो। अरे तुम लोग फ्री फ्री क्या लगा रखे हो, ऐसे लग रखा है तुम मैंने खेत में बो रखा है, तुम्हें मेरे खेत में बहुत थोड़ी रखा है। अरे मेरा बैगन है, मैं चाहूँ तो पैसे से दूँ, मैं चाहूँ तो बेचूँ, तुम्हें क्या, तुम्हें फ्री तो मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। ऐसा करो तुम लोग, ये हमारा बैगन देखो कितना अच्छा, जरा इधर देखो नज़र से, इतना अच्छा बैगन बेच रहा हूँ, तुमको शर्म नहीं आती तुम लोगों को फ्री में? चलो ठीक है 100 रुपये किलो लगा देता हूँ, ले लो 2-2 किलो कम पैसे में, वैसे मैं 150 रुपये किलो बेचता हूँ, इससे कम में तो कभी मैंने बेचा ही नहीं, अगर लेना है तो ले लो। अरे अखिलेश जी, इतना महंगा थोड़ी बैगन है, इतना महंगा बैगन थोड़ी बिकता है, अरे 10 रुपये किलो तो बाजारों में इधर उधर डोल रहे हैं, तुम इतना महंगा बेच रहे हो, 100 रुपये किलो भला बैगन ले जा करके हमें भरता थोड़ी बनाना है, नहीं लेना है बैगन। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, आज यहाँ पे सवारियाँ बैठा लेते हैं खूब अच्छे से, देखो यहाँ पे कोई नीचे पानी में जा रहा है यार, वो डूबा जा रहा है सिलेंडर लेके, देखो कौन है अखिलेश, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत दूरी से मैं देख नहीं पाता हूँ, और देखो कहीं मेरा हत्था ये चलाने वाला ना लग जाए, पहले ही देख लो कौन सवारी है, बैठा लो ले लेते हैं 100-200 रुपये, बैठा लो इनको और पानी से इनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? और तुम बताओ तो बैठालते, नहीं बताओ तो नहीं बैठालते, इसे जगह बहुत सारी नहीं है नाव में, थोड़ी सी जगह बची है एक आदमी के लिए, तो इनको बैठा लेते हैं, कुछ अपना रकम ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है अखिलेश?
अरे योगी जी, तुम बात तो बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये लालू तुम्हें पैसे देंगे? यहाँ पे नाव पे बैठ के चले जाएंगे? इन्होंने 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया है। जब भी इनको बोलो तो ये धमकी दे देते हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं तो हम इनको बैठा लेते हैं और फिर हम इनको उतार देते हैं, पैसा भी ये नहीं देते कभी भी। अरे पैसा देने वाले में से नहीं है, एक आध बार दे भी देते हैं, बार बार पैसा नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है, बैठा तो इनको हम लेंगे, उतार देंगे, लेकिन इनको बैठालना चाहिए कि नहीं बैठालना चाहिए हमको पता है, तो हम इन्हें नहीं बैठाएंगे। और इसमें कोई और बैठालना चाहता है अगर ये लोग बताएं, अगर मोदी जी राहुल बताएं तो बैठा लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसे किराया ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल अखिलेश और योगी जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं पहली बार जब सवारी में बैठालता था तो 10-15 सवारी हमारे टेम्पो के अंदर होते थे। उसके बाद मैं क्या करता था, अगर मेरे पास जगह खाली है और रास्ते का किराया 20 रुपये पड़ता है, जगह खाली है, कोई भी सवारी नहीं मिलती थी, तो मैं क्या करता था, उसमें मैं सवारी अगर 5 रुपया भी देती थी तब भी मैं पीछे लटका लेता था। तो ऐसा करो, इनका सिलेंडर रख लो और सिलेंडर रखने के बाद इनको पीछे लटका दो अच्छे से और इनसे कुछ पैसे भी ले लेना। क्यों राहुल, गलत कह रहा हूं? अरे मोदी जी, तुम गलत कभी कह ही नहीं सकते। अरे सही तो कह रहे हैं अखिलेश और योगी, सही कह रहे हैं। अरे बैठा लो, कुछ तुम्हारे पैसे ही बन जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन